हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं लाई हूँ पतले होने के 5 घरेलू आसान से उपाय, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उसे अगर आप लॉन्ग टाइम तक नियम से करेंगे तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और इन उपायों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये उपाय पतले होने के साथ साथ आपको बॉडी में और भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, जिससे आपको वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के साथ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकती है। तो दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर आदमी के पास एक ही सवाल है कि हम मोटापे से छुटकारा कैसे पाएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि काम के चलते वो अपने पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते। उनका ध्यान कब जाता है? जब वो बीपी, शुगर, तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और वो बेडोल हो जाते हैं, तब उनका ध्यान अपने ऊपर जाता है कि ऐसा हम क्या करें जो आसान भी हो, जल्दी से बन जाए और जिसको खा के हम स्वस्थ रहें और मोटापे से हमें छुटकारा मिल सके। तो आपको 5 घरेलू उपाय अपनाना बताएंगे, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और मोटापे से दूर भी रह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे पाचन क्रिया मजबूत रहे, ठीक से काम करे। तो हम लोगों को दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसमें छाछ और दही भी शामिल है। जैसे कि आजकल बहुत गर्मी चल रही है, तो आप दही और छाछ का सेवन बढ़ा दीजिए। जितना आपकी बॉडी में लिक्विड जाएगा, आपका जो फैट है उतना ही कम होगा। तो नींबू पानी आप गुनगुने पानी में डेली 1 चम्मच शहद डाल के मॉर्निंग में पी सकते हैं। सबसे पहले चाय मत पीजिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी खाली पेट जब आप पीते हैं तो वो पेट में गैस बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या पीना है? गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के 1 ग्लास नींबू पानी सुबह के टाइम में पीना है। और आप ज़्यादा टाइम तक इसको करते रहते हैं तो आपका फैट अपने आप ही कम होने लग जाएगा। और किसी भी नियम को आप 2-4 दिन मत करिए। जैसे हम लोगों का मोटापा 2-4 दिन में नहीं आता है, वो बहुत दिनों का रिजल्ट होता है। ऐसे ही जब मोटापा घटाना होता है तो वो 2-4 दिन में नहीं घटता है। तो जितने भी ये नियम है उसको आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो करिए, देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और दूसरा है, ग्रीन टी का प्रयोग करें। 1 ग्लास पानी के अंदर 1 पाउच ग्रीन टी घुमा लें, फिर वही पिए। और जो ऐसी नॉर्मल चाय हम लोग पीते हैं, इसे आप कम कर दें। और उसमें दूध और चीनी का प्रयोग आपको नहीं करना है। नंबर 3 है दालचीनी का प्रयोग। इसमें दाल और चीनी बिल्कुल भी नहीं है, इसके नाम पर मत जाइए। ये एक नेचुरल रेमेडी है, ये पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाती है। इसका चूर्ण बना लें, ईमानदस्ते में इसे कूट के कपड़े से छान लें। इसको 1 ग्लास पानी में चुटकी भर डालें और पानी गुनगुना कर लें। फिर इस गुनगुने पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके चाय की तरह पिएं। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और आपको वज़न कम करने में सहायता मिलती है, और ये चर्बी को कम करता है। नंबर 4 है काली जीरी, अजवाइन और मेथी का प्रयोग। इनको गरम करके तवे पर थोड़ा सा कर लीजिए गरम, और फिर इन्हें पीस लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से खा लीजिए। ये एक बहुत ही गुणकारी रेमेडी है। शुगर भी कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और मोटापे को भी कम करती है। ये तो रेमेडी हम लोगों को बिना किसी बीमारी के भी डेली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और 1-1 चम्मच आप इसका प्रयोग करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में आप जाके देखेंगे कि आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसमें आपको ये करना है कि 50 ग्राम काली जीरी लेनी है
100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी, इनके अनुपात में आप इस पाउडर को बना के रख सकते हैं। और बिना किसी बीमारी वाला इंसान भी इस पाउडर को अपने घर में बना के रखे और नियम से खाए तो उसको बहुत से फ़ायदे होंगे। नंबर 5 है, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें। अगर आप अपने खाने में डेली सलाद का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको बहुत से विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे जो आपका वेट लॉस करने में सहायता पहुँचाएंगे। अगर आप सलाद खा रहे हैं तो इसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। खाना सुपाच्य और हल्का खाएं, सलाद ज़रूर खाएं, क्योंकि खीरे में 90% पानी होता है, विटामिन ए बी सी ई होता है और कैलोरी भी भरपूर मात्रा में होती है। तो हम लोग कच्ची सब्जियों का जब सलाद खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इस सलाद को बहुत अच्छे से धोकर काटकर आप खाएं। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि ये 5 उपाय जो आपको बताए हैं आप ये उपाय भी करते जाएं और दूसरी तरफ नुकसान वाली चीज़ें भी खाते जाएं, तो इससे आपको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज भी करना होगा। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक कम पीनी होगी, बर्गर, समोसा, शराब, कचौड़ी, फास्ट फूड, मीट इत्यादि का सेवन नहीं करना होगा। अगर आप करते भी हैं तो उसे लिमिट में कर दें। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सब आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, आपके लीवर को डैमेज करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको परहेज करनी है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। 7 से 8 घंटे आप आराम से नींद लें अपनी। कभी कभी नींद ना लेने से भी आपकी बॉडी पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। चॉकलेट कम खाएं, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लें। व्यायाम में आप रस्सी कूद सकते हैं और उठक बैठक कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप जितने स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए बोला जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो दोस्तों, बाय बाय। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जितने भी उपाय हैं ये बहुत ही आसान है और हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है, तो इसका फ़ायदा उठाएं और डेली इसे अपनी डाइट में शामिल करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।